हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। सर आज i7 जो है एक लॉन्च इवेंट कर रहे हैं और इस लॉन्च इवेंट में हम लोग चश्मा हटाने की जो लेटेस्ट लेज़र टेक्नोलॉजी आई है जिसका नाम है सिल्क, उसको इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। तो जैसे हम सब ने सुना होता है कि अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है और आप उस चश्मे को हटवाना चाहते हैं तो लेज़र ऑपरेशन आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। इनमें लेज़र से हम लोग आजकल 10 मिनट में आपको पूरी लाइफ के लिए चश्मे से आज़ादी दिलवा सकते हैं और साथ ही साथ ये जो ऑपरेशंस हैं ये इतने एडवांस हो गए हैं कि इनमें कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। तो जैसे लेज़र में टाइम के साथ एडवांसमेंट्स हो रही हैं, जैसे हम लोग देखते हैं आईफोन 13 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 15 आता है, ऐसे ही टाइम के साथ लेज़र की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये भी एडवांस हो रही है। तो सबसे पहले एक PRK करके टेक्नोलॉजी आई थी, फिर एक लेसिक करके टेक्नोलॉजी आई, फिर स्माइल करके आई, फिर कंट्यूरा करके आई और अब 2023 में जो लेटेस्ट आई है उसका नाम है सिल्क। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से बच्चे जो है मोबाइल देखते हैं उससे जो है काफ़ी आँख में दिक्कत होती है, उसको चश्मा लगते हैं, तो किस तरीके से अवेयरनेस राइट है। देखिए जो आँख में चश्मे की पावर आना या जिसको हम लोग मायोपिया कहते हैं, ये एक तरह से अब वर्ल्ड में पेंडेमिक बनता जा रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी कंट्रीज़ जैसे चाइना, कोरिया, सिंगापुर, जापान, इन सब कंट्रीज़ में 80-90% लोगों की आंखों में चश्मा चढ़ गया है और अब धीरे धीरे ये ट्रेंड जो है इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी आ रहा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि स्पेशली जो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, अगर वो लंबे समय तक मोबाइल कंप्यूटर पर लगे रहते हैं और अगर उनका बाहर आउटडोर या सन एक्सपोजर कम होता है तो आँख में चश्मे का नंबर चढ़ जाता है। तो आज की डेट में हम आँख में चश्मे का नंबर चढ़ने से भी रोक सकते हैं, अगर चढ़ गया है तो उसको बढ़ने से भी रोक सकते हैं और अगर आँख में नंबर आ गया और चश्मा नहीं पहनना चाहते तो उसको परमानेंटली पूरी लाइफ के लिए हटाया भी जा सकता है। जो नई टेक्नोलॉजी आई है कितनी किफ़ायती होगी क्योंकि सर्जरी के मुताबिक कॉस्ट? राइट, देखिए क्या होता है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है और टाइम के साथ जब ज़्यादा टेक्नोलॉजी जगह जगह पे फैल जाती है, अलग अलग सेंटर्स में लग जाती है तो टाइम के साथ कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी नई नई लॉन्च हुई है तो इसकी कॉस्ट करीब 1,20,000 से 1,30,000 रुपये के बीच में पड़ेगी। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या इंश्योरेंसेस या जो पैनल्स होते हैं या जो आयुष्मान वगैरह होते हैं इनमें ये सर्जरीज कवर्ड है? देखिए इनमें ये सर्जरीज नहीं कवर्ड है क्योंकि ये जो सर्जरीज हैं ये कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, ये जो चश्मा हटाने का ऑपरेशन होता है इसको हम लोग बीमारी नहीं मानते, तो ये इन सब इंश्योरेंस वगैरह पैनल वगैरह में कवर नहीं होती। और यूजली अगर कोई इंसान चश्मा हटवाना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी से तो खर्चा उसको अपनी जेब से ही करना पड़ता है। कोई समय सीमा भी होती है कि इतने दिनों तक आपके जो सर्जरी हुई है, जो टेक्नोलॉजी से आपका किया गया है, इसका कोई समय सीमा? राइट, तो देखिए एक बार ही आपने इन सब लेज़र से या सिल्क से चश्मा हटवा लिया तो वो पूरी लाइफ 100 साल के लिए है। लेकिन इसमें हमें ये समझना है कि हम सबकी उम्र जब 40-45 साल के ऊपर होगी तो हम सबकी आंखों में एक पढ़ने का या रीडिंग का नंबर आ जाएगा। तो मान लीजिए किसी 20 साल के लड़के ने अपने चश्मा हटवाने का ऑपरेशन सिल्क से कराया है तो 20 साल से लेके 45 साल तक तो कोई चश्मा नहीं पहनना, उस 45 साल के बाद दूर की नज़र आपकी अभी भी साफ़ है, घूमना फिरना, गाड़ी चलाना, पिक्चर देखना, टीवी देखना सब बिना चश्मे के होगा। लेकिन 45 के बाद जब भी पढ़ाई लिखाई का काम करना है तब आपको रीडिंग का प्लस का चश्मा पहनना पड़ेगा।